ये लड़की गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसका पिता आकर उसकी चादर को खींच लेता है। जब वो उठने वाली थी तब उसके पिता ने उसे बालों से पकड़ लिया और उसे नीचे गिरा दिया और फिर उसे गंदी नजर से देखने लगता है। लड़की इतनी डरी हुई थी कि वो बिस्तर पर जम गई। अगले दिन उसके पिता को याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था। वो अपनी बेटी से खुशी खुशी बात करने लगता है, लेकिन बेटी ने उसे देखा और बिना कुछ खाए वहाँ से चली जाती है। पिता हैरान था, लेकिन वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। लेकिन फिर कुछ और इससे भी ज्यादा बुरा होने लगता है। माँ, जो बिल्कुल सीधी सादी हुआ करती थी, आज असामान्य रूप से चिड़चिड़ी बन जाती है। उसने भोजन को काट दिया और यहाँ तक कि फिर उसने इसे हिंसक रूप से परोसा। परिवार ने सोचा कि आज उसका मूड ठीक नहीं है, इसलिए कोई उनसे कुछ नहीं बोलता है। लेकिन उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि जब उसने भोजन देखा तो वह ऐसे खा रही थी जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। वो भोजन से अपने मुंह भर लेती है। उसकी माँ को इस तरह से खाना खाते देखकर उसका बेटा भी खाने को खाने लगता है, लेकिन वो तुरंत मुंह से निकाल देता है क्योंकि खाना इतना नमकीन था कि वो उसे बड़ी आंखों से घूरने लगता है। जब उसके मुंह में खाना नहीं आ रहा होता है तो वह अपने बेटे को इसे खत्म करने के लिए देने लगती है। बेटा घबरा जाता है, इसलिए पिता को उसके बचाव में आना पड़ता है। यदि यह अच्छा नहीं है तो इसे न खाए। मुझे एहसास नहीं था कि यह टिप्पणी माँ को पूरी तरह से प्रभावित कर देगी। पूरा परिवार स्तब्ध था। माँ इस तरह कैसे बन सकती है।